दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिनों में रामनवमी आने वाली है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू VFX प्रोजेक्ट, जिससे कि आप रामनवमी के लिए अपनी पिक्चर से ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रिजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है। यहाँ पे हम लोग व्हाइट कलर की बैकग्राउंड को ले लेंगे एंड इसकी साइज को आपको 28 सेकंड्स रख लेना है। अब हम लोग इसकी कलर को चेंज कर लेंगे, तो इसको आपको ग्रीन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक PNG को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसको आपको यहाँ पे रख लेना है। एंड इसको भी हम लोग फुल वीडियो तक रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर को ऐड कर लेनी है, जिसको आप लोग वीडियो में ऐड करना चाहते हो। फ्रेंड्स, आपको अपनी पिक्चर को कट करके ऐसी PNG बना लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आपको कट करनी नहीं आती तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख के अपनी पिक्चर को ऐसी कट कर लेना। इसके बाद इसको भी हम लोग फुल वीडियो तक रख लेते हैं। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रिजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है उसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके हमने जो अभी जिसको एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा एंड इसको हम लोग इनेबल कर लेते हैं एंड इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग मूव एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो आपको इस की वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही वीडियो यहाँ तक आएगी तो यहाँ पे इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। एंड जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे ही रख लेंगे। एंड इसके बाद जैसे वीडियो यहाँ तक आएगी तो इसको हम लोग प्लस करके आगे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार, आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।